हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज हम आए हैं घूमने के लिए बॉटनिकल गार्डन। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने टिकट लिया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद हम अंदर इन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन है। आरब तो जिद कर रहा था कि मुझे बस हिरन को टच करना है, लेकिन मैंने उसे समझाया कि नहीं बेटा, टच नहीं कर सकते। फिर हम चल दिए कैक्टस गार्डन घूमने। और ये गाइस देखो कितना प्यारा और कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने मेंटेनेंस कर रखा है। वाओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे कैक्टस के प्लांट थे। हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन आरब बहुत बोर हो रहा था। फिर हमने डिसाइड किया तो चलते हैं, अब हम आरब को पार्क की ओर ले चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे। तो देखो शाम होने वाली है और हम चल दिए आरब को पार्क की ओर लेकर। इसे देखो ये बंदर कर क्या रहा है। इसकी तो मतलब मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इसे तो बस मस्ती करना था। हम चाह रहे थे कि और भी जगह हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें और भी जगह एक्सप्लोर करना था, हमें घूमना था, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इसे मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, बहुत चीज़ों का लालच दिया है, तब ये फाइनली आरव भैया यहाँ से जाने को रेडी हुए। फाइनली 1 आवर स्पेंड करने के बाद आरव भैया चल दिए हैं और भी झूले को एक्सप्लोर कर रहे। तो गाइज अब हम ऐसे जगह पहुँच चुके हैं जहाँ बहुत से झूले अवेलेबल थे, लाइक ट्रैम्पोलिन, स्काई कोस्टर, एडवेंचर करने के लिए, जो कि बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड मतलब लाइक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बट आरब ने सब झूले पे ट्राई करके अब ट्रैम्पोलिन पे आया। इसका सबसे फेवरेट झूला है, इसको तो ये कभी भूल ही नहीं सकता है। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने सबका वीडियो नहीं बनाया। तो गाइस बहुत प्यारा प्लेस है, फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी, कपल्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो गाइस इसके बाद हम चल दिए हैं मैं अपने फेवरेट प्लेस में बोटिंग करने के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं और हमारी मस्ती अभी ख़त्म नहीं हुई है। फाइनली हम आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए। हमारी बोटिंग का नंबर आ गया और हमने बोटिंग शुरू कर दी है। ओहो, ये देखो गाइस पीकॉक, क्या ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा प्लेस है गाइस। हमारा तो यहाँ आना सफल हो गया, हमने बहुत मस्ती की है, हमारे दिन भी जो है बहुत अच्छे बीते। तो यहाँ पर आपको चिट्टी काउंटर, स्नैक्स के लिए चिप्स बिस्किट मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे जो चार्जेस हैं टिकट्स के बहुत ही नॉमिनल है, तो आप बिल्कुल अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं, पार्क भी क्लोज होने वाला और हम भी बहुत थक चुके थे, तो हम जल्दी अपने घर की ओर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।